हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल मौर्य जी मेडिकल एंड हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो मेरा है यूरोफ्लो मेट्रिक पर आधारित है, इसको यूरोफ्लो टेस्ट भी बोला जाता है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि यूरोफ्लो मेट्रिक क्या होता है, यूरोफ्लो मेट्रिक टेस्ट क्यों किया जाता है, यूरोफ्लो मेट्रिक टेस्ट को कौन कौन से कारण है जिस प्रभावित करते हैं, और यूरोफ्लो मेट्रिक टेस्ट के लिए क्या प्रिपरेशन होता है, और यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट कैसे किया जाता है, और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, और इसका कराने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यूरोफ्लोमेट्री क्या होता है? तो यूरोफ्लोमेट्री जैसे नाम से ही पता चल जाता है, यूरोफ्लो, यूरोफ्लो मतलब कि यूरिन, यूरो मतलब यूरिन, अफ्लो मतलब पास करने की गति। तो यूरोफ्लोमेट्री में किस लिए कराया जाता है? यूरोफ्लोमेट्री में जो होता है पेशाब करने की मात्रा और पेशाब करने की जो स्पीड होता है उसको मेजर किया जाता है। अगर पेशाब करने की स्पीड या पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट कराना होता है। दोस्तों, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट क्यों किया जाता है? तो यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट तब करते हैं जब आपका कोई पेशाब धीमा हो, या पेशाब करने में आपको दर्द होता हो, या आपका पेशाब रुक रुक करके होता हो, या स्फिंक्टर मसल आपका कमज़ोर हो। और स्फिंक्टर मसल जो होता है एक गोलाकार होता है, मसल होता है, और ये जो है मान लीजिए ये ब्लैडर है, और ब्लैडर के पास में मान लीजिए ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पास में ही ये स्फिंक्टर मसल आता है यहाँ पर गोल सा, जो कि पेशाब को होल्ड करके रखता है, और ये बहुत ही टाइट बंधा रहता है जिससे पेशाब लीक नहीं होता है। तो ये स्फिंक्टर मसल को स्टेटस भी बताता है, और साथ ही ब्लैडर में की जो मसल्स है वो कितनी अच्छी है उसके बारे में भी बताता है यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट। दोस्तों, कौन कौन से कारण हैं जो यूरोफ्लो टेस्ट को प्रभावित करते हैं? जैसे मान लीजिए प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया या प्रोस्टेट कैंसर होता है तो यूरोफ्लो टेस्ट को प्रभावित करता है, और ब्लैडर कैंसर है तो भी यूरोफ्लो टेस्ट को प्रभावित करता है, और यूरिनरी ब्लॉकेज है तो भी आपको यूरिन प्रोसेस करने में आपको प्रॉब्लम होता है, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन है, यानी कि आपको मान लीजिए स्पाइनल कार्ड में कोई इंजरी हो गया है या स्पाइनल कार्ड में कोई ट्यूमर हो गया है तो भी आपको यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट को प्रभावित करता है। दोस्तों, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट के लिए क्या तैयारी करना होता है? तो इसको कराने से जाने से पहले डॉक्टर के पास जब भी जाएं तो आपको बहुत सारा पानी पी करके जाना होता है। इस टेस्ट को कराने के लिए आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए। यदि आप कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई हर्ब्स लेते हैं तो या कोई विटामिन्स लेते हैं तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, और साथ ही यदि आपको प्रेगनेंसी है तो भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट करने के लिए आपको एक कप जैसे एक पॉट दिया जाता है जिसमें आपको पेशाब करना रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब तक टेक्नीशियन आपको उधर से आवाज़ न दे कि हाँ आप बाथरूम कीजिए, तब तक आपको नहीं करना है, क्योंकि मशीन ऑन नहीं रहेगा तो आपका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो कप होता है, कप के नीचे में एक सेंसर लगा रहता है जो कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट रहता है। जैसे आप पेशाब स्टार्ट करते हैं तो सेंस करके कंप्यूटर को उसको ग्राफ के रूप में दिखाता है। स्टार्टिंग में तो आपको क्या होता है कि बाथरूम धीमा होता है, उसके बाद उससे तेज होता है, और लास्ट फिर जब होने वाला है तो आपका बाथरूम धीमा हो जाता है, यानी पेशाब करने की दर जो होता है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें आपको जैसे स्फिंक्टर मसल के बारे में भी बताता है कि आपका स्फिंक्टर मसल कितना अच्छा से वर्क कर रहा है, आपका ब्लैडर का मसल जो है वो कितना अच्छा से वर्क कर रहा है इसके बारे में ये बताता है। इसका जो होता है जो नॉर्मल रेंज होता है फ्लो का 11 लेकर के 23 ml पर सेकेंड होता है। दोस्तों, अब इसका रिजल्ट क्या होता है? तो इसमें डॉक्टर सामान्य या पीक फ्लो रेट को देखते हैं, और आपको पेशाब करने का पैटर्न और पेशाब की मात्रा के आधार पर ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन को गंभीरता को जानने की कोशिश करते हैं। धीमा पेशाब की गति बताता है कि आपको पेशाब में पेशाब का जो ब्लैडर है वो कमज़ोर है या यूरेथ्रा में ब्लॉकेज है। यदि आपका पेशाब की गति बहुत तेज है तो यह बताता है कि यूरिन फ्लो की मसल जो है वो कंट्रोल करने में कमज़ोर है। और दोस्तों, इसका जो चार्जेज होता है, जो यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट कराने का जो चार्जेज होता है
वो 600 रुपये से लेकर के 1800 रुपये तक होता है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह मेडिकल और पैरा मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। यह वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।